में जब पुनर्जागरण का काम चल रहा था यूरोप में, पुनर्जागरण का, जागरण की व्यवस्था चल रही थी, वहीं पर अगर देखें भारत में जो सिचुएशन बना था, भारत में जो सिचुएशन बना, दिल थाम कर बैठ जाइए, मजा आएगा, आनंद के साथ पढ़ेंगे। भारत में जो सिचुएशन बना था उस समय मुगलों का शासन था, उस समय देखा जाए तो जहांगीर का एक तरह से शासन स्टार्ट हो चुका था। जहांगीर एक तरह से मतलब 1526 से स्टार्ट होता है जब ये स्टार्ट आते हैं, लेकिन 1707 1600 के बाद ही सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं बाबर और जहांगीर के समय, अकबर और जहांगीर के समय 1606 के बाद ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहीं पर अगर देखें यूरोप में एक तरह से उथल पुथल मचने लगा था, एक तरह से हुड़ मच गया था कि भैया अब हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, व्यापार करेंगे। यूरोप की जितनी भी कंट्रियां थी सब व्यापारी थी, एक दूसरे से कंपटेटिव थी, कंपटीशन करती थी। जितने भी देश थे, जितने भी कंट्री थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। वहीं पर हमको सबसे पहले उभरती हुई संख्या में दिखाई देती है पुर्तगाली लोग और एक तरह से स्पेन लोग, स्पेन। तो वहीं देखेंगे इस पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में चला आता है, भारत का खोज कर लेता है पानी वाले रास्ते पर। क्यों खोज करता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और वहीं पे स्पेन में अगर देखेंगे तो स्पेन में आपको पता है कि जो अमेरिका का खोज करने वाला रहता है कोलंबस, वो चला जाता है अमेरिका का खोज कर लेता है 1492 में। 1492 में कोलंबस जो है कोलंबस, और 1498 में वास्को डी गामा ये चले आते हैं भारत की खोज करते हैं, और ये चले जाते हैं अमेरिका की खोज कर लेते हैं। वहां पे इनको पता चलता है कोलंबस को कि भाई हमारे द्वारा जो खोजा गया है वो रेड इंडियन खोजा गया है। और वास्को डी गामा पहले से परिचित था कि भैया हाँ सारे के सारे यूरोपवासी परिचित थे कि भैया जो इंडियन है वो रेड नहीं है वो गाले गोरे नहीं है, वो काले के कंडीशन में आते हैं, सांवले के कंडीशन में आते हैं, उनको काले नाम से जाना जाता है। तो वास्को डी गामा अपने दिशा को एक तरह से बदल देता है भैया, जब उस दिशा में भारत नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका, अगर भारत का मैप बनाएं पूरे विश्व का, तो आपको पता है यहाँ पर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर अगर बात करें यूरोप पड़ जाता है, यहाँ पर अफ्रीका पड़ जाता है, यहाँ पर एशिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। तो जो यहाँ से निकले स्पेन से, और यहाँ पुर्तगाली है स्पेन, और यहाँ से निकला यह कोलंबस, ये चला गया इधर आ गया, ये चला आया दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में, आकर रेड इंडियन का पता किया 1492 में। जब पता चलता है ये बात वास्को डी गामा को, भैया इधर तो इंडियन है ही नहीं, इंडियन रेड तो होते नहीं हैं, तो वहीं पे ये निकल जाते हैं, इस साइड निकलते हैं, और यहाँ से अफ्रीका के नीचे सोते हुए चले जाते हैं भारत में। भारत में एक जगह आते हैं जहाँ का नाम होता है कोचीन, कोचीन का नाम होता है, उसका नाम होता है कालीकट। कालीकट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजा जयमोहन होते हैं, जो उनका भव्य तरीके से स्वागत करते हैं, एक तो उनका मन बढ़ा देते हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, कमाई वमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर वहाँ पे जाते हैं तो सारी यूरोपियों को लेके चले जाते हैं, भैया चलो भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं सस्ती मिलती हैं, क्योंकि हम जब यहाँ से सारी चीज़ ले जाते हैं वहाँ पे बेचते हैं तो हमें 60 गुना का मुनाफा हो रहा है, इतने में मन बढ़ गया सबका, सब आने लगे। तो यह क्रम हम समझते हैं शुरू से सारी चीज़ें। अब देखिएगा, अब जो जो चीज़ें बताते चलते हैं आप लोग देखते चलिए, सुनते चलिए, मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। तो वहाँ पर पुनर्जागरण का समय स्टार्ट हो चुका था, और हमारे भारत में मुगलों का शासन था, मुगल लोग बिल्कुल मस्त तरीके से करते थे। पहले हम इसको समझेंगे, ये क्रम है, यह कंपनियों को आने का क्रम है, ये कंपनी स्थापित करने का समय है, है ना, क्रम है, सबका अलग अलग है। तो आपको पता है कि बहुत सारे देश आए, जैसे कि बात करेंगे कि पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांस आए, तो ये सारे बहुत सारे देश आए, बहुत सारे कंट्री आई, यूरोपीय कंट्री भारत में एक तरह से शासन करने के मकसद से नहीं, एक तरह से कहिए व्यापार करने के मकसद से। वो तो बाद में लालच बढ़ जाता है लोगों का, तो भारत में एक तरह से पा जाते हैं कि भारतवासी पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको किसी भी तरह बंदर की तरह नचाया जा सकता है, मतलब एक तरह से इनको हम लोग अपने चीज़ों में बांध के रख सकते हैं। तो बाद में हमारे सारी राजनीतिक पावर पर इन्होंने कब्जा बना लिया, लगभग 1764 के बाद जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि मीर जाफर को इन्होंने मारा था दौड़ा के, तो उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरा का पूरा अपने क्षेत्र में कर लेते हैं। उसमें बंगाल बहुत बड़ा पावरफुल हुआ करता था, जिसका बंगाल पे शासन है होता था वो एक तरह से पूरे भारत पे शासन करता था, जैसे आज बना हुआ यूपी, यूपी पे जिसका शासन है कहा जाता है कि पूरे भारत पर उसका शासन है, है ना। तो उसी तरह पहले बंगाल था, बंगाल पे जिसका शासन हुआ करता था, पूरे भारत के राजाओं को एक तरह से अपने अंडर में करके रखता था। अब ये काम किया, धीरे 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 सारी चीज़ों को जीतता चला गया, अब बाद में हमको एक तरह से उपनिवेश के रूप में बन गया, भारत एक उपनिवेश हो गया, उपनिवेशक हो गया, देश हो गया उन लोग का। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्रम से समझते हैं। देखिए, अब देखिए अगर समय समय के अनुसार देखें तो 1453 में आखिर ये लोग क्यों खोज के लिए निकले। 1453 का समय चल रहा था, 1453 में अगर देखा जाए तो उस समय अगर देखा जाए मित्रों, 1453 में यूरोप का पूर्वी भाग मतलब यूरोप का ये वाला हिस्सा, पूर्वी भाग में, यूरोप के पूर्वी भाग से लोग भारत में आते थे, अफगानिस्तान होकर भारत में एक तरह से व्यापार करते थे, स्थलीय मार्ग से आते थे, व्यापार करते थे। और कुस्तुनिया नाम का एक तरह से जगह था,
कुस्तुनतुनिया, यह कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह था, वहां पर एक तरह से कह लीजिए अरबों का आक्रमण हो जाता है। अरबों का आक्रमण होता है, अरब मतलब तुर्कवासी, तुर्कवासी में आक्रमण हो जाता है, एक तरह से हुआ पूरा का पूरा जगह ब्लॉक कर देते हैं लोग। वहां से जितने भी यूरोपीय कंट्री थे इसी कुस्तुनतुनिया होते हुए भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। जब यह चीजें बंद हो जाती हैं तो अब यहां पर हुड़ मचता है। हुड़ यह मचता है किसी तरह हमको भारत में व्यापार करना है तो करना है। और उसमें दो देश बहुत ज्यादा उत्सुक थे व्यापार करने के लिए, भारत के खोज के लिए, भारत जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। एक तो था स्पेन और एक तो था पुर्तगाली। स्पेन से निकलते हैं आपके, स्पेन से निकलते हैं जो कोलंबस होते हैं, स्पेन से कोलंबस निकलते हैं, चले जाते हैं भैया कहाँ पर, अमेरिका। अमेरिका में जाकर उन्होंने रेड इंडियन की खोज कर लेते हैं 1492 में। वहीं पर पुर्तगाली से निकलते हैं आपके वास्को डी गामा, वो चले जाते हैं कहाँ पर, भारत में आते हैं। भारत में जहाँ पहुँचते हैं उस क्षेत्र का नाम था केरल का कालीकट क्षेत्र। केरल का कालीकट क्षेत्र बिल्कुल समुद्र के किनारे है। जिस मार्ग से वो जाते हैं उस मार्ग को हम नाम देते हैं, जिस मार्ग से वो जाते हैं उस मार्ग को नाम देते हैं कोप ऑफ गुड होप, कोप ऑफ गुड होप से नाम देते हैं। और यही कारण था, मतलब यहाँ पर हम कारण अभी समझ रहे हैं फिर आगे चलते हैं, यही कारण था जब ये क्षेत्र ब्लॉक हो जाता है तो आते हैं यहाँ पर। और उनका जमोरिन बहुत ज़्यादा, राजा जमोरिन होते हैं, बहुत भव्य तरीके से स्वागत करते हैं, मसाला वसाला डालकर उस पर चिकन वगैरह खाते हैं तो इनको बहुत टेस्टी लगता है। बस उस चीज़ को ले जाकर वहाँ बेचते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि भैया हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं फिर। तो ये चीज़ें हम यहाँ तक समझे, मतलब कारण क्या था आने का आपको समझ में आ गया। जो कुस्तुनतुनिया वाला मार्ग था उसको ब्लॉक कर देते हैं अरबवासी, तो इस वजह से वहाँ से पुर्तगाल व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हुड़ मच जाता है कि भैया भारत में बहुत सारे, एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन भारत का बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं हमको, वहाँ पर कच्चे माल बहुत ज़्यादा हैं, उसको ला कर खपा कर मशीनों द्वारा हम बना कर, क्योंकि उस समय लगभग आपको पता है बहुत ज़्यादा एक तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता था यूरोपीय कंट्रियों में। आज जाकर वही उभरी हुई हैं एक तरह से विशाल इकोनॉमिक्स को लेकर देखेंगे तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा होता है उन लोग का, अगर वो लोग एक रुपये भी कमाते हैं, क्योंकि बना बनाया सब कुछ है। अगर एक रुपए की भी इनके पास इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ जीडीपी का अगर देखेंगे तो हमारा लगभग, मोदी जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 5 ट्रिलियन के आसपास में, है ना, तो उतना जो होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अभी देखेंगे तो रियल में 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन भी नहीं है कायदे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। उसमें क्या है, वो सारे देश प्रगतिशील हैं, बस उसमें थोड़ी सी भी कमाई होती है, जैसे खाने के लिए घर में सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा पड़ा है, बस रोटी बनाने का देरी है, रोटी बनाते हैं खाते हैं, फिर से गेहूं आ जाएगा अगले बार। लेकिन यहाँ पर क्या है, रोटी पहले गेहूँ कमाना भी है रोटी बनाना भी है, यहाँ कमा कर खाना है, वहाँ पर बना बनाया रखा मतलब भरा पड़ा है बस बनाना है, यहाँ पर पहले लाना है फिर खाना है। यह चीज़ें भारत में देखने को मिलती हैं। भारत एक तरह से विकसित देश है, न कि विकासशील, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो अब क्या है, अब देखना हम जो चीज़ें बताएंगे उसको ध्यान समझना है। यह है कंपनियों का आगमन, यह है कंपनियों की स्थापना का क्रम, याद रखेंगे भारत में यूरोपियों के आने का क्रम, भारत में कंपनियों की स्थापना करने का समय, और यह है पहली कोठी कहाँ पर इन्होंने बनाया। क्योंकि पता है जो भी भारत में आए थे पुर्तगाली वह पानी वाले रास्ते आए थे, यह पानी वाला क्षेत्र था, और जो भी कोठी बनाए होंगे वह इसी वाले इलाके में बनाए होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर इसके बाद आगे नीचे आ गए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इधर चले जाए उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, इसी नौ राज्यों में इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी। बस क्योंकि आज भी हमारा जो बंदरगाह है इसी वाले इलाके में है, पूरा का पूरा बंदरगाह, लगभग 12-13 जो बंदरगाह है हमारे मेजर बंदरगाह हैं, तो बहुत सारे हैं लेकिन 12-13 बंदरगाह मेजर हैं जहाँ से हमेशा काम होता है। तो बंदरगाह इसी क्षेत्र बनाए गए थे क्योंकि बंदरगाह का काम पानी वाले क्षेत्र में ही है, इसलिए इन्होंने कोठी इसी जगह बनाई थी कि भैया बहुत इनकम यहाँ से होगा, हमको विदेश में माल बेचने में बहुत आसानी होगी, विदेश से व्यापार करने में बहुत आसानी होगा, इस वजह से यहीं बनाए थे। क्योंकि अंदर जाएंगे तो अंदर माल मतलब गाड़ी का किराया, बहुत सारे खर्च वर्च और बढ़ जाएंगे, तो भैया व्यापार चालाकी से किया जाता है। अब इसी क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है, पुर्तगाली में वास्को डी गामा आता है 1498 में, सबसे पहले भारत पहुंचता है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर वैसे जो पुर्तगाली वास्को डी गामा होता है भारत में 3 बार आता है, पूछा जाता है, 1498 में बार आता है, फिर चला जाता है 1502 में आता है, फिर चला जाता है, आता है 1511 में, तो इसका राम राम सत्य हो जाता है, फिर स्वाहा हो जाता है इसका काम। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर डच आता है, डच 1595 में आता है, याद रखेंगे। इसके बाद अंग्रेज आते हैं, सब 1600 ईस्वी में आते हैं, याद रखना है। 1600 में जब अंग्रेज आते हैं तो समय अकबर का शासन होता है, लेकिन जब एक तरह से यहाँ का एक शासन अंग्रेजी दूत आता है, जो राजदूत आता है अंग्रेजी भारत के, वहाँ से चला था जब, तो आता है वहाँ पर, उसको समझ नहीं आता है कि भारत में जो शासन चल रहा है अकबर का चल रहा है, लेकिन बाद में जब वो पहुँचता है किसके दरबार में तो दरबार पता चलता है कि भाई जहांगीर का है, तो इस तरह पूछा जाता है, ये चीज़ें याद रखना है। फ्रेंच चौथे नंबर पे होता है 1664, होते हैं 3-4 कंट्रियाँ और हैं, डेनिश भी है नीचे, लेकिन हमको नहीं याद करना है, बस इतने चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे डेनिश का मतलब यह हुआ आया, मार और खाया चला गया,
पता चला भारत में बहुत ज़्यादा उठा पटक हो रहा है, बहुत सारे यूरोपीय कंट्री हैं, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उन लोग को लगा कि भैया हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सेनाएं भी कम है, हमारे पास शक्ति भी नहीं इतना ज़्यादा कि उनसे लड़ सकें। तो ये सारी चीज़ें के कारण वो चले जाते हैं, मात्रा आते हैं जाते हैं, ये समझ लो। तो यह याद रखेंगे आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, फिर डच आते हैं 1595 में, अंग्रेज आते हैं 1600 में, फ्रेंच आते हैं 1664 में। 1498, 1595 और उसके बाद 1600, फिर उसके बाद 1665। याद रखना है क्या क्या बोला भैया, 1498, 1595, 1600 और 1664। 1498, 1595, इसके बाद 1600, 1664। कौन कौन है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये आने का क्रम हुआ, उनके आने का क्रम। लेकिन अगर पूछा जाए कंपनी के आने का क्रम क्या है, कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है, सबसे पहले कंपनी किसने स्थापना किया, कब किया, तो याद रखेंगे सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, और पुर्तगाली ही कंपनी बनाते हैं सबसे पहले 1498 में कोचिन में। कोचिन में जो कंपनी बनती है 1503 में इनकी बनके तैयार होती है, इस बात को याद रखना है। 1503, 1505 दो कंपनियां इनकी होती है। 1503 में ये जो कंपनी बनाते हैं कोचिन में बनाते हैं, 1505 में जो बनाता है सूरत में बनाता है कंपनी अपना, इस बात को याद रखना। अंग्रेज दूसरे नंबर, देखिए यहाँ पर आने का क्रम डच है दूसरे नंबर पर, लेकिन कोठी बनाने के क्रम में अंग्रेज दूसरे नंबर पर आते हैं, इस बात को याद रखना, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये तो क्रम है आने का, लेकिन कोठी बनाने का क्रम है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांस, इस बात को याद रखना है। पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाते हैं, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाते हैं, इस बात को याद रखना है, आपको बहुत बार पूछा जाता है। देखना सबसे पहले पहले ये कंपनी कहाँ बनाते हैं, इस बात को याद रखना है। पुर्तगाली जब आते हैं तो यह कोचिन में, क्योंकि वो कोचिन में आता है वास्को डी गामा, तो कोचिन में ही अपनी सबसे पहली कोठी बनाता है, और कोचिन को ही जो वहाँ का पहला वायसराय है, अभी बताएंगे, तीन वायसराय आते हैं पुर्तगाल से, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोचिन में इनका कंपनी बनता है, और कोचिन ही राजधानी होती है, और 1503 में बनता है, इस बात को याद रखना है आपको। पुर्तगाली सबसे पहले कोचिन में अपना कोठी बनाते हैं 1503 में। इसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज का जो सबसे पहला कोठी होता है सूरत में बनना तैयार होता है, लेकिन बन के तैयार होने वाला सबसे पहला इनका जो कोठी होता है, इनका कंपनी होता है, कौन सा होता है, मसूलीपट्टनम का होता है, जो कि तमिलनाडु के आसपास में पड़ता है, मसूलीपट्टनम में बनके तैयार होता है इनका पहला कोठी। लेकिन बनना शुरू कौन होता है, तो बताएंगे सूरत का 1608 में, क्योंकि उस समय एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज का एक तरह से राजदूत रहता है, वहां से जब आता है तो जाता है जहांगीर के दरबार में, तो एक तरह से फरमान लेके जाता है कि सर मुझे कोठी बनाना है, तो इजाज़त तो दे देते हैं 1608 में कि भैया आप जाओ सूरत में कोठी बना लो। तो सूरत में कोठी बनाना स्टार्ट करता है, वह बन के बहुत लंबे समय में, देखिए 1600 मतलब कि एक तरह से तैयार होता है 1613 ईस्वी में जाकर सूरत वाला, लेकिन उससे पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इनका बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय फ्रांस जो थे उनसे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, इससे लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ युद्ध होता है। 1760 में एक तरह से यह तय कर दिया जाता है कि सच में जो भारत में असली पावर है किसके पास है, वो पावर होगा अंग्रेजों के पास, न कि फ्रांस के पास। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ते चलिए। अब डच आता है, डच का जो पहला कोठी बनता है वो बनता है मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनता है? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम बनता है, जो कि आंध्र प्रदेश इलाके में है, याद रखेंगे, जहाँ पर पहली कोठी बन के तैयार हुई थी अंग्रेजों की। शुरुआत हुआ था सूरत में बनना 1608 में, बना था 1611 में जाके सूरत वाला, सॉरी 1613 में जाकर, लेकिन 1611 में बन के तैयार हो गया था आपका मसूलीपट्टनम वाला, याद रखेंगे भाई ये क्रम। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं भैया 1664 में, और कंपनी बना लेते हैं 1668 में सूरत में। तो याद रखना जो पुर्तगाली आए अपना कंपनी 1503 में कोचिन में बनाते हैं, और अंग्रेज जो आए सूरत में बनाते हैं पहला अपना कोठी 1608 में। इसके बाद जो डच आते हैं मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं तो सूरत में 1668 में बनाते हैं। याद रखना है अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी दोनों सूरत में बनाते हैं, इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। बाद में पता चलता है कि भैया फ्रांसीसी अपना बोरिया बिस्तर सिमेट चुके हैं। इतनी बातें तय हैं, अब आगे चलें बताना, इस चीज़ को लिखते रहिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को लिखते रहिएगा। अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए समुद्री मार्ग से आए थे, हम बात करते हैं किसकी, पुर्तगालियों की। जो बात करेंगे सिर्फ पुर्तगालियों के विषय पर आज बात करेंगे, इस तरह क्रम से लेंगे सबको, पुर्तगालियों के ऊपर बात करेंगे, जो कि 1498 से यह चर्चा में आ जाते हैं। भारत ऐसे प्रकार से बना रहता है, यहाँ से ये निकलते हैं यूरोप से, और यहाँ पर अफ्रीका होता है, अफ्रीका के इस साइड से आते हैं, भारत के कोचिन में पहुँचते हैं, भारत के कोचिन में जहाँ पहुँचते हैं उसका नाम, वहीं पर एक राजा जमोरिन होते हैं, राजा जमोरिन इस जो पुर्तगाली नाविक होते हैं इनका नाम होता है भैया वास्को डी गामा। उनका एक तरह से बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से पूरा संस्कार, मतलब एक तरह से भव्य तरीके से उनका एक तरह से पूरा व्यवस्थित तरीके से उनका एक तरह से
साध सत्कार होता है, सादगी के साथ होता है, माला वाला पहनाया जाता है, भारत में घुमाया जाता है भैया जगह जगह। फिर उसके बाद उनको एक ऐसे मसाला वसाला दिखाया जाता है भाई, चिकन उकन खाते हैं मसाला लगा के, चिकन चिकन जो है कि चिकन में मसाला लगा के खाते हैं तो उनको बहुत टेस्टी लगता है। कहते हैं भैया किसका बना है, कभी देखे तो होते नहीं है, तो पता चलता है भैया इसमें लवंग इलायची बहुत सारी चीज़ मिली है। तो यह एक नाव जिस नाव में आए थे उस नाव को भर के पूरा लेके जाते हैं यूरोप में, तो इनको एक तरह से 60 गुना फायदा होता है। कितना गुना? 60 गुना फायदा, पूरा खर्च और से निकाल दिया जाए, पूरा सब कुछ निकाल उकाल के 60 गुना फायदा होता है। तो इनको लगता है अरे यार इतना ज़्यादा फायदा, इसका मतलब बहुत मजा आएगा। तब ये जाते हैं अपने वहाँ के राजा जो रहते हैं उनको बताते हैं, और वो राजा इतना सुनकर सबको भेज देते हैं। अब वहाँ पर जगह जगह के पुर्तगाली जो रहते हैं, पुर्तगाली वायसराय बन बन के आने लगते हैं, तो उसी क्रम को हम देखेंगे। नहीं याद रखना भैया, यह इस वाले रास्ते को हम किस नाम से जानते हैं, यहीं पर यह अफ्रीका है, अफ्रीका में एक जगह है लास्ट में, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप, गुड होप के नाम से जानते हैं, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। अब इसी क्षेत्र के नाम से जो केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका का लास्ट वाला छोर, दक्षिण अफ्रीका का लास्ट वाला जो छोर है, उसी के नाम से इस पाथ का पूरा नाम हो जाता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते। हमारा पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा 1498 भारत में आया था। अब भैया यह भारत में तो आया था, लेकिन क्या भारत सच में खोया था? भारत खोया नहीं था कि भारत का यह खोज करेंगे, एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत का समुद्री मार्ग का इन्होंने खोज किया। भारत तो भैया अपने जगह ही पड़ा था, बस इसको एक तरह से पता करने की जरूरत थी भारत सच में कहाँ स्थित है। तो बस उसी चीज़ को इन्होंने एक तरह से स्थलीय मार्ग ना कहिए कि समुद्री मार्ग उन्होंने ढूंढ दिया, इस बात को याद रखना है। अब अंग्रेज कंपनी सबसे पहले एक तरह से कह लीजिए कि मसूलीपट्टनम में अपना एक तरह से सूरत में व्यवस्था बना लेती है। अंग्रेज कंपनी की बात करेंगे जो कि बात हमने किया था, और इनका जो बात करेंगे सबसे पहले अपनी जो कंपनी है कहाँ बनाते हैं बता देंगे। पुर्तगाली जो अपना सबसे पहले कंपनी है वो कहाँ बनाते हैं? कोचीन में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कोचीन में आता है तो कोचीन में ही सबसे पहले इनकी कंपनी बनती है, इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर रोचक बातें यहाँ से निकल के आती हैं। जब ये चले जाते हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, है ना, तो इस तरह से 1530 ईस्वी में एक तरह से पेड्रोज अल्वेरोज आता है। सारी चीज़ें बस यहाँ तक इनकी थी। अब कहिए कि भैया मुनाफा मुनाफा कमा लेते हैं बहुत सारा चीज़ें, एक तरह से 1502 में फिर आते हैं, 1502 में आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं, बहुत बेड़ों के साथ आते हैं, 1511 में आते हैं जिनका डेथ हो जाता है। वहीं पर देखा जाए तो 1530 ईस्वी के आसपास में पेड्रो अल्वेरोज पहला वायसराय, कहा जाता है भारत में पुर्तगाली क्षेत्र से पहला वायसराय कौन आया था भारत में, तो याद रखना है तीन वायसराय का नाम बताएंगे। पेड्रोस अल्वेरोज, क्या नाम था? पेड्रोज, पेड्रोज, पेड्रोस अल्वेरोज, अल्वेरोज, पेड्रोज अल्वेरोज आता है, यह पहला वायसराय रहता है, यह आता है 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में आता है पेड्रोस अल्वेरोज, नाम रखना है पहला वायसराय यानी कि पहला गवर्नर जो कि पुर्तगाली गवर्नर था भारत में आया था। यह एक तरह से गुट दूसरा गुट होता है, यह भारत में जब आता है तो यह समझ के आता है कि भैया अब हमको चलना है लूटना पाटना है, कई सारा बेड़ा लेके आता है ससुराल, लड़ाई उड़ाई करने के लिए उतारू हो गया आता है कि चलेंगे जिस जो रहेगा सबको मारेंगे पीटेंगे, एक तरह से फिर आ गया वास्को डी गामा। अब ये 1502 मतलब एक तरह से यह आ गए 1530 में एक तरह से पेड्रोस अल्वेरोज, जैसे आते हैं उतरते हैं, फिर इसके बाद इनको देखने को मिलता है भैया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना, पहले वायसराय रहते हैं आपको याद रखना है। ये सबसे पहले एक तरह से जाते हैं भैया वहाँ पर, देखते हैं कि भैया कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें जो इनके क्षेत्र में इनको चाहिए वो चीज़ें इनके पास नहीं आ पा रही थी, उनके लिए लड़ाई उड़ाई करना पड़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें किए, और इसके बाद कह लीजिए कि अपना शासन सत्ता बनाकर और बहुत सारी चीज़ें अभी लेकर आए वहाँ से। जब लेकर आते हैं कह लीजिए कि और जाते हैं वापस, तो वहाँ के एक राजा रहते हैं फ्रांस के, जिनका नाम रहता है फ्रेंस प्रिंस हेनरी, याद रखेंगे उस समय जो फ्रांस के करें भाई मतलब यूरोप के पुर्तगालियों में जो पुर्तगाली के जो राजा रहता है वहाँ का, तो उनका नाम होता है प्रिंस एरनी हेनरी, प्रिंस हेनरी रहता है। और प्रिंस हेनरी के नाम एक नाम और था द नेविगेटर्स के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, जो कि पुर्तगालियों के कौन सा पुर्तगाली यूरोप में कौन सा यूरोपी पुर्तगाली एक तरह से भारत में जाएगा इसका वो नेतृत्व करते थे, एक तरह से पूरा का पूरा संरचना उन्हीं का था कि ऐसे जाएंगे तो आप भारत में पहुंचेंगे, ये सारी बातें उनकी थी, इस वजह से उनको हम क्या कहते थे नेविगेटर्स के नाम से जानते थे, क्योंकि एक तरह भौगोलिक संरचना के रूप में खोजे जाने के रूप में बहुत माहिर थे, भौगोलिक संरचना कहाँ चल रहा मतलब दिमाग में एक तरह से मैप चलता था, तो इस वजह से उनको द नेविगेटर्स के नाम से जानते थे प्रिंस हेनरी को। अब क्या होता है भैया ये आते हैं याद रखना है अल्वेरोज, पेड्रोस अल्वेरोज आते हैं, इनके नेतृत्व में एक गुट आता है, एक तरह से पूरा का पूरा एक तरह से पूरा भारत में एक तरह से बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता है अभी और फिर से वापस से चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है 1505 में आता है एक तरह से फ्रांसीसी अल्मीडा, फ्रांसीसी अल्मीडा यह भारत में एक मिनट
ये जो पेंडोज एल्ब्रोज होता है मित्रों, ये याद रखना है एक तरह से नाविकीय भी था, हमने गलत बोल दिया यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान रखना है। वास्को डिगामा जो रहता है पहला नाविक होता है, वास्को डिगामा यह पहला नाविक होता है भारत में जो आता है, और जो दूसरा नाविक होता है पेड्रोज एल्ब्रोज, ये कोई वायसराय नहीं रहता है, 1530 में भले आता है एक तरह से, कोई एक तरह से कह लीजिए कि 1530 लिख दिया, देखिए ध्यान से 1502 में आता है, एक तरह से कोई वायसराय वगैरह नहीं रहता, एक तरह से नाविक रहता है, दूसरा नाविक रहता है, यह भी बहुत मुनाफा कमाता है, एक तरह से लड़ाकू विमान लेकर आता है, लड़ने पर पूरा उतारू होकर आता है, चलेंगे इस बार जितने अरब वासी सबको पछाड़ के मारेंगे, है ना, इस तरह से यह बहुत खतरनाक रहता है। फिर यह चीज चला जाता है मुनाफा मुनाफा कमा के। फिर अब यहाँ पर बहुत ज़रूरत हो जाता है भैया, यह जाकर सारे लोग बताते हैं भैया भारत में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, भारत में बहुत सारे कच्चे माल हैं, भारत वाला कच्चा माल यहाँ पर लाकर बेचा जाए तो बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। तो वहाँ से जो फ्रेंच हेनरी रहते हैं वो एक तरह से वायसराय बना के भेजते हैं, सबसे पहला वायसराय रहता है फ्रांसीसी, मतलब कि पहला फ्रांसीसी द अल्मीडा जो पुर्तगाल का वायसराय रहता है सबसे पहला, वो आता है 1505 में, कब आता है 1505 में आता है, उसका नाम क्या रहता है 1505 में जो आता है फ्रांसीसी द अल्मीडा, फ्रांसीसी द अल्मीडा आता है 1505 में, और यह भव्य तरीके से बहुत ही इसका स्वागत होता है इसका भी भारत में, और यह पहला वायसराय के नाम से जाना गया कि भैया यह पुर्तगाल का सबसे पहला वायसराय है जो कि भारत में आया था। इसके बाद यह भैया भारत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से शासन वगैरह करने लगा, तो एक दिन जाकर भैया एक तरह से ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से एक तरह से पॉलिसी स्टार्ट करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है हम बता देते हैं, पहले तो याद रख लेना ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया, तो बता देंगे भैया फ्रांसीसी द अल्मीडा जो कि भारत में प्रथम वायसराय था पुर्तगाली, यह लागू करता है ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब आज भी आप वो चीज़ें देख पा रहे हैं, हिंद महासागर में जिस प्रकार से भारत और चीन का दबदबा बढ़ा जा रहा है, वैसे हिंद महासागर में भारत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है इस समय, उसी प्रकार से जो भी पुर्तगाली मतलब जो वहाँ उस समय थे कि वो लोग यही चाहते थे भारत में जो नीचे का पूरा का क्षेत्र है वाटर पूरा का पूरा हिंद महासागर है उस पर दबदबा बना लिया जाए, जब उस पर ताकतवर हमारा पूरा ताकत रहेगा उस पर तो हमारे हमको कोई नहीं हरा सकता इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि भाई हर जगह उनका बेड़ा खड़ा हो जाएगा, जितने आइलैंड होंगे उनका पावरफुल पूरा एक तरह से पूरा उनका शासन चलेगा, तो वहाँ पर कोई उनको हरा नहीं सकता है, क्योंकि जितने बेड़े जाएंगे उसी रास्ते से जाएंगे, वो चेक करेंगे सारी चीज़ें होंगी, लड़ाई भी करना हुआ तो फटाफट सेना आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही हुआ हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर पूरा अपना कब्जा कर लेना, और उसी समय फ्रांसीसी द अल्मीडा था या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, बस इतनी बातें इससे याद रखना है बस। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क दूसरा वायसराय रहता है, इस बात को याद रखना है, दूसरा वायसराय पुर्तगाल का भारत में कौन आया है बताएंगे अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी में आता है। अल्बुकर्क आता है 1509 ईस्वी में, याद रखना है दूसरा, और पहला रहता है फ्रांसीसी द अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च करता है, ये 1505 में आता है। ये आता है भैया 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क। अब इसके समय भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही बुद्धि वाला था, पता है इसका दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा था, कह रहा था भाई भारत में तो एक तरह से यह प्रथा, क्या नाम है, कौन सी प्रथा चल रहा था भारत में, सती प्रथा, जिसमें कि जिसके हस्बैंड मर जाते थे, जिसके पति मर जाते थे, तो उसकी औरतों को औरत को उसके साथ जला दिया जाता था बैठा के, तो बाद में वो तो राजा राम मोहन राय के समय पूर्ण रूप से ख़त्म होता है। उस समय आपको पता है कि जो वायसराय रहता है बेंटिंग करके वायसराय रहता है उस समय भारत में, अंग्रेजी वायसराय रहता है वो, उसके समय उसके मतलब राजा राम मोहन राय के सहयोग से वो ख़त्म करवाता है उसको। लेकिन एक तरह से जो प्रथा था ख़त्म होने का, जो शुरुआत किया गया था किसके समय किया गया था, मतलब पुर्तगाली भी तो बता देंगे अल्बुकर्क के समय किया गया था। इसका एक तरह से गजब का दिमाग था साला, मतलब सोच गजब रहा था यह, इसका एक तरह से पूरा एक तरह से भैया ये आए थे कमाने खाने और लगे शादी ब्याह करने, घर बसाने लगे, अभी आया ससुराल ना, बहुत बड़ा खतरनाक काम किया भैया। यह पहली बात है गोवा को जीत लिया, गोवा पे जो शासन था, गोवा पे एक जो शासन था किसका था भैया, एक तरह से कह लीजिए गोवा को जीत लेता, बताते हैं अभी। फिर इसका एक तरह से बहु पत्नी मतलब एक तरह से कह लीजिए इसका जो पॉलिसी था शादी विवाह का पॉलिसी था, यह क्या काम करता था, शादी ब्याह कर लेता था, मतलब जो जो यह महिलाएँ छुटी हुई थी, जो एक तरह से कह लीजिए कि जो बच्चियां थी, जो महिलाएं 18 साल की हो जाती थी, तो उनको एक तरह से शादी करना, अपने यहाँ के जो लोग थे कुंवारे लोग थे उनसे शादी करवाना, उनको बुलाया गया कि भैया बुलाता था कि चलो भारत में शादी करते हैं, शादी करके भैया शादी होगा दामाद तो बहुत ज़्यादा सत्कार होंगे भाई, तो लोग अगर चाहेंगे हमारे दामाद इसी जगह रहें, तो इस तरह से बहुत सारे सत्कार होने लगे उसके, और वो सच में वहाँ पर पूरा एक तरह से अपना एक तरह घर बसा लिया, यह कह लो, और बहुत ही खतरनाक तरीके से यह घर बसाया, हम इसको अरेंज करते हैं, और यह पॉलिसी इसकी बहुत खतरनाक थी, शादी वाला सबसे शादी मतलब एक तरह से जितनी भी औरतें थी वो कहता था भाई क्यों
आप क्यों मरेंगी, क्यों, मतलब ये सारी चीज़ें, ये गंदा काम है। आप एक काम करो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, हमारे लोगों से आप शादी ब्याह का रिश्ता जोड़िए और इसमें आपका बहुत ज़्यादा योगदान चाहिए, है ना। तो एक काम करता है, इस चीज़ को पॉलिसी शुरू करता है जिसे कहते हैं शादी की पॉलिसी, यानी एक तरह से कह लीजिए पत्नी, पत्नी पॉलिसी या फिर शादी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है ना, ये शुरू करता है। याद रखेंगे भैया क्या नाम रहता है इसका, अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क नाम रहता है, इस बात को याद रखना। पहला क्या होता था, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, याद रखेंगे। अब ये अल्बुकर्क जो होता है इसका एक दिमाग और काम करता है, अल्बुकर्क जो हम देखते हैं आज का जो गोवा है, 1961 में गोवा आजाद हुआ था, 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ था, लेकिन गोवा पर कब्जा कब हुआ था इस बात को याद रखना है। गोवा पर जो कब्जा हुआ था 1515 ईस्वी में गोवा पर अधिकार हो गया था, किसका अधिकार हुआ था, इस पुर्तगालियों का। अल्बुकर्क एक ऐसा शासक था जो कि वहाँ का एक राजा थे, आदिल शाह को यह हरा दिया था, और आदिल शाह को हरा कर गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। यही गोवा एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जो कि सबसे पहले अधिकार वाले क्षेत्र में आया और सबसे बाद में आज़ाद होने वाला क्षेत्र बना। जब भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल जाती है उसके बाद भी इसको आज़ादी नहीं मिलती तो वहाँ पर एक तरह से पोलो ऑपरेशन चलाया जाता है भारत में। उस समय इंदिरा गांधी का समय रहता है, और इंदिरा गांधी का बोले 1961 के आसपास में जवाहरलाल नेहरू का समय रहता भाई, उस समय हमारी सेना द्वारा एक तरह से पोलो ऑपरेशन चलाया जाता है, वही हैदराबाद में जो चलाया गया था वहाँ पर भी वही चलाया जाता है, और उसको गोवा को अपने कब्जे में कर लिया जाता है। इस बात को याद रखना है, 1961 में गोवा को आज़ादी मिली, इस बात को याद रखना है। तो अल्बुकर्क ये दो काम करता है, आदिल शाह को हराता है, गोवा को अपने अधिकार में करता है 1515 ईस्वी को, और शादी पॉलिसी स्टार्ट कर दिया था, मतलब जितनी भी अविवाहित महिलाएं थी जो कि विधवा थी उनसे शादी कराने का बात करने लगा, और अपने धर्म को जो ईसाई धर्म था उसको प्रचार प्रसार करने लगा था। यह चीज़ें हो गई, यह रहा इसके बारे में। और एक तरह से कर लीजिए तीन चीज़ें उस समय यह पॉलिसी चलाया था, तीन चीज़ का, 3G, अब वो 3G नहीं है भाई, ये 3G वाला 3 मोबाइल वाला 3G नहीं है, गोल्ड, मतलब कि गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, इसका मतलब हो गया गॉड गोल्ड ग्लोरी। यह था गॉड का मतलब हो गया कि भैया अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, और गोल्ड का मतलब हो गया एक तरह से इकोनॉमिकल, जो आर्थिक संपत्ति है भारत का कब्जा कर लेना, और ग्लोरी का मतलब यह हो गया कि मतलब कि एक तरह से जो यूरोपवासी थे वो प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते थे, प्रतिष्ठा करने के धूड़ में जमे थे, क्योंकि बाद में इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है पुर्तगालियों की, इतना मारा जाता है पुर्तगालियों को, ये छोड़ के भागना पड़ता है इनको, इतना अंग्रेज मारते हैं। एक तरह से मुंबई वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, पुर्तगाली की एक रानी रहती है, जैकरीन करके रहती हैं, और अंग्रेज के एक तरह से राजकुमार होते हैं, उनसे शादी करा लिया जाता है, और ये जो मुंबई होता है उसको दहेज में दे दिए थे लोग कि भैया तुम ले जाओ, मुंबई में दहेज ले जाओ, बाद में उस पर लोग अपना एक तरह से मासिक खर्च देकर, जो राजा रहते हैं, जो कुंवारा, जो एक तरह से राजकुमार रहते हैं, जो शादी हुई रहती है उनकी, उनको वार्षिक पेंशन पर, मतलब वार्षिक रुपए पर उसका एक तरह से उपयोग कर रहे थे अंग्रेज लोग, इस बात को याद रखना है। अगर 3G का मतलब समझ में आ गया, 3G अल्बुकर्क द्वारा लाया गया था, शादी पॉलिसी अल्बुकर्क द्वारा लाया गया था, धर्म का प्रचार अल्बुकर्क द्वारा लाया गया था, एक तरह से कह लीजिए कि गोवा पे अधिकार आदिल शाह को हरा के अल्बुकर्क ने किया था, यह दूसरा वायसराय रहता है। अब तीसरा वायसराय लास्ट आता है, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का काम भी यही रहता है, यही बहुत चालाक पर्सन रहता है भाई, नीनो डी कुन्हा। ये तीसरा वायसराय रहता है भारत में, जब आता है पुर्तगाली तीसरा वायसराय रहता है, इसका काम क्या होता है, एक तरह से कह लीजिए यह क्या काम करता है, जो एक तरह से कह लीजिए गोवा का जो अधिकार हुआ था अल्बुकर्क द्वारा अधिकार किया गया था आदिल शाह को हरा के जो अधिकार किया गया था उसको एक तरह से क्या काम करता भैया, गोवा को एक तरह से अपनी राजधानी बना लेता है। पहली राजधानी इसकी कोचिन थी, लेकिन नीनो डी कुन्हा आता है तो गोवा जो हड़पा रहता है ना पुर्तगाली द्वारा, तो यह वायसराय बन के आता है तीसरा, और गोवा को ही अपनी राजधानी बना लेता है। गोवा को एक तरह से अपनी राजधानी जब बना लेता है तो उसको एक तरह से विस्तार प्रसार विस्तार करने में जुट जाता है, पावरफुल बन जाता है। उसी के साथ में 1525 में और 1529 में, 1500 देखिए इसको तो अधिकार कर लिया गया था अल्बुकर्क द्वारा 1515 में ही, और जब यह आता है तो गोवा को राजधानी बनाता है, और 1525 में जो हमारा दीव वाला पोर्शन है, दीव और दमन को 1529 में दीव और दमन को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, ये सब याद रखना है। दीव और दमन को भी नीनो डी कुन्हा अपने कब्जे में कर लेता है, और बाद में आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें होने के बाद यह लगभग 1961 में जाके आज़ादी मिलती है गोवा को। अब तो ये बातें रही पुर्तगाली के विषय में, लेकिन पुर्तगाली बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस भी कराए भारत में, जैसे बात करें अनानास की खेती, गन्ने की खेती हो गया, और जो शकरकंद हो गया उसकी खेती हो गया, तंबाकू की खेती हो गई, एक तरह से पपीता हो गया,
और बहुत सारे फ्रूट्स फल हो गए जो हम लोग नहीं जानते थे, तो उनका इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। गन्ना हो गया जो एक मीठा मीठा आलू आता है ना, और मीठा गन्ना जो हम कहते हैं गंजी के नाम से जानते हैं, सिंघाड़ा गंजी जो खाते हैं एकादशी के दिन, तो वो वाला गन्ना हो गया, उसका इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया भारत में, बताया प्रचार किया। आज हमको पपीता के बारे में पता है, गन्ना के बारे में पता है, गन्ना के बारे में पता है, और गन्ना के बारे में मत बोल देना, गन्ना के बारे में नहीं, गन्ना गन्ना सिंघाड़ा ये सब सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। पपीता हो गया और अनानास हो गया, ये सब सारी चीज़ें, और एक बहुत सारी चीज़ें, प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही फेमस है भाई, प्रिंटिंग प्रेस जो अब बंद हो चुका है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस भी इसी इन्हीं के कारण चलना स्टार्ट हुआ था भारत में। ये बातें याद करना है, गांजा, प्रिंटिंग प्रेस, गन्ना, अनानास, और खा लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें थी, संतरा, मौसमी, ये सब सब के सब इनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए। जिस प्रकार से आज हम पुर्तगाली को ख़त्म किए, कल डच पढ़ेंगे, फिर इसी तरह अगला कदम पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना, मस्त तरीके से ख़त्म होगा, बस मेहनत करके पढ़ते चलिए, आपका सारा मनोकामना पूर्ण होंगे, वादा करते हैं, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो, बस शेयर करो दबा के, जस्ट सच में अगर आप मानते हो इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीख रहे हो तो। धन्यवाद।